बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ये हमारा यहाँ का प्रोसेस जो काम अभी आज हमने कंप्लीट करना है वो है ये ग्रिड स्लैब का। तो ग्रिड स्लैब में अभी आप जो स्टार्टिंग हमारा प्रोसेस है वो मैं आपको ये टू पार्ट में दिखाऊंगा। वन ये इसका कंपैक्शन जो होगा, कंपैक्शन कैसे करते हैं कंपैक्टर के साथ में, और दूसरा इसकी डेप्थ हम लोगों ने कितनी रखी है जितनी कंक्रीट आएगी, और इसके ऊपर ये जीए मैश, ये हमारे पास कुछ पड़े भी हैं पीस और कुछ हमने ऑर्डर किए हैं। तो कैसे कैसे इसके ऊपर क्या क्या चीज़ आ रही है कंपैक्शन, उसके बाद में इसके बाद ये पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन शीट के बाद में ये जीए मैश हम लोग इसमें रखेंगे। नीचे इसके कवर ब्लॉक भी रखे जाएंगे 2.5 सेंटी के, और फिर उसके बाद इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। आज ये प्रोसेस इंशाल्लाह अभी सुबह के तकरीबन 9 o'clock टाइम है हमारे पास AM, और आज ही आज की डेट में हमारी कोशिश रहेगी, अल्लाह ताला खैर रखे, इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि टुमारो आफ्टर टुमारो इसको कॉलम्स का काम स्टार्ट कर सके। कॉलम ऑलरेडी हमारे पास रेडी हैं, यहाँ कवर करके रखे हुए हैं, और अभी हम इसको कंपैक्शन इसकी स्टार्ट करने लगे करें जी इसको। वो आगे एक बटन लगा हुआ है, वन पे करें उसको। ये हमारे न्यू पर्सन है तो इनको भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी आज। ये वन पे हो गया, अभी उसको रस्सी को खींचे, टूट गई है। अच्छा कोई मसला नहीं है। तो रस्सी किधर गई, इसके अंदर चली गई? ना यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलो एक मिनट जी, मैं इसको सही करवा लूँ, फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको प्रोसेस पूरा। तो ये हमारा थोड़ा सा एक स्मॉल प्रॉब्लम आ गया था, ये जो रोब थी इसकी, ये यहाँ से टूट गई, तो हमने इसको खुद ही अभी किया है कुछ रिपेयर दोबारा इसको, ये नट को खोल के ताकि काम ना रुके, क्योंकि ये अभी मैकेनिक के पास जाएगा तो काम लंबा हो जाता, इसलिए इसको खुद ही विद इन 5 मिनट रेडी कर दिए। अभी करें जी स्टार्ट, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ऑन पे है, नहीं नहीं आप इधर से अभी स्टार्ट कर खींचें, ज़ोर से खींचें, नहीं हो रहा है, होना चाहिए। आइए चलो, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हो गया स्टार्ट। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैं थोड़े दूर से इसका बताऊंगा। तो अभी ये हम लोगों ने इसको 2 दिन इसको लगातार हमने पानी वाला तो लगाया, और जितनी ये पानी इससे नीचे बैठ सकती थी मिट्टी ये बैठी, और इसमें पानी खड़ा किया। अभी भी तकरीबन 2 सेंटी जो है ये नीचे जाएगी, 2 इंच के करीब करीब तकरीबन जाएगी ये, और अच्छे से कंपैक्शन इसको करेंगे। एक बार फिर इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इसकी कंपैक्शन हो सके, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद में इसके ऊपर पॉलीथीन आएगी, तो फिर उसके बाद मैश का प्रोसेस इसके ऊपर शुरू होगा जी, मैश का, और कंक्रीट भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो रहिएगा हमारे साथ, आपको ये दिखाएंगे कहते हैं कितना टाइम इसमें लगता है और ये कैसे कंपैक्शन होती है, तो देखिएगा जी। ये हमारा जी सुबह से कंपैक्शन का काम चल रहे हैं, और तकरीबन इसको अभी 6 से 7 आवर हो गए हैं, तो इसमें पानी भी लगाया 2 से 3 बार, और ये 4th इसकी लेयर चल रही है, 4th से 5th, तो इसमें कम से कम भी 3 सेंटी जो है डाउन हो गया, 3 से 4 सेंटी ये डाउन हुआ है इस कंपैक्शन करने का।
ये देखिए गाड़ी के लोड गाड़ी आई है रंबल की, वाइट सैंड की लोड गाड़ी के ये टायरों के निशान है, जिससे बिल्कुल ये आधी सेंटी नीचे भी नहीं गया, ये बिल्कुल ये गीला था थोड़ा, इसलिए ये निशान बन गया इसका और ये डाउन नहीं हुआ। और अभी ये रेडी है बिल्कुल कंक्रीट के लिए। तो आज हम फर्स्ट टाइम विदाउट पंप कर रहे हैं कंक्रीट, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ से आप देखिए ये जो गेट ओपन कर देंगे तो यहाँ से बैक आएगी, तो बैक गाड़ी यहाँ ये जो सेकंड अभी ये टाई बीम है लास्ट में हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा बाथरूम पे एरिया आ रहा है तो बाद में होगा ड्रेनेज के बाद में। और ये कंक्रीट अभी हम यहाँ पे, क्योंकि वो इसलिए पहले ड्रेनेज नहीं डाली क्योंकि एक बाद टाइम में ये ओनर चेंजिंग करवाते हैं कि इधर WC नहीं चाहिए इधर चाहिए, एज पर ड्राइंग अगर हम चाहते तो हम पहले डाल सकते थे और उसके बाद BCC कर सकते थे, लेकिन वो चेंजिंग होती है बाद में फिर तोड़नी पड़ती है, तो इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नीचे बाद में शटरिंग जब करेंगे तो बाद वाइट वुड डाल के फिर उसके ऊपर प्लाई डालेंगे या उसके नीचे सॉलिड ब्लॉक रखेंगे, सॉलिड ब्लॉक हमारे पास पड़े हैं इसलिए थोड़ी सी जगह। और ये साइड भी हमारी 2 मीटर छोड़ देंगे हम, यहाँ पे भी बाथरूम आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमने क्वांटिटी कंक्रीट की मंगवाई है। और कंक्रीट की जो क्वांटिटी हमारी है ये वो है आज 8 मीटर, तो हमें अगर पंप के हिसाब से मंगवानी पड़ती तो फिर 9 मीटर। तो हमारे पास आदमी थे, अभी जैसे ही विद इन आवर कंक्रीट आ जाएगी और आदमी भी जो प्लस्तर कर रहे हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। तो हमने पॉलीथीन बिछाने पीछे शुरू कर दी है और कंपैक्शन का लास्ट जो राउंड है वो चल रहा है और वो भी इंशाल्लाह विद इन 15 मिनट ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में अभी ये जैसे पॉलीथीन कटिंग कर रहे हैं जहाँ पे कंक्रीट आएगी तो वो फिर ऊपर ये मैश हमारी जो यहाँ पे आ चुकी है साइड पे, ये GI मैश, ये तो ये 8mm का GI मैश हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो पहले भी हमारे पास 3-4 पीस पड़े थे और उसके बाद में ये अभी न्यू भी और ऑर्डर की ये आ गई, ये इधर रखी है, अभी इंशाल्लाह इसको एज पर साइड इसको कटिंग करेंगे और लगाएंगे। जैसे जैसे उधर से हम आएंगे कंक्रीट करते हुए बैक गाड़ी लगेगी और मैश डालते जाएंगे, पॉलीथीन डालते जाएंगे और मैश डालते जाएंगे और साथ साथ में कंक्रीट करते जाएंगे। 1.5 आवर तकरीबन हमारा लगेगा, गाड़ी वाले ने कहा है कि मैं 1 घंटा खड़ा हूँगा तो 1/2 घंटा उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट अभी प्रोसेस है हमारा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो रहिएगा हमारे साथ। आज ये कंपैक्शन की और इंशाल्लाह मैश और ये कंक्रीट आपको दिखाएंगे। तो ये अभी मैं यहाँ पे इसको कट करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट मेरी ये एपिसोड आएगी इसमें ये वीडियो आएगी वो आप देखिएगा। आज अभी तक के लिए मैं अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ, रखिएगा अपना ख्याल। और कंपैक्शन का मैं ये पार्ट अलग करूँगा और पॉलीथीन और मैश और कंक्रीट इंशाल्लाह आपसे अलग से शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।